उठो चराग उठाओ के आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ के एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है बस 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 बस। हाँ क्या हुआ? हाय राम, तुम आराम करो ना माधुरी, मुन्ने को मैं देख रहा हूँ। बहुत कमजोरी महसूस हो रही है, जरा फल की थाली तो पकड़ा दो ना। प्रेमा जी, जरा कपड़े ही समेट रही हूँ, बेकार नहीं खड़ी। खैर मैं ही फल पकड़ा देती हूँ गौरानी जी। अब दूध तो माँ को ही पिलाना पड़ेगा ना, सूरज तो पिला नहीं सकता। ये मुन्ना अभी सिर्फ 2 महीने का है और अभी से मुझे परेशान करना सीख गया है। माँ भी तो आखिर इंसान होती है ना, जितनी बार और जितनी देर तक पिला सकती है उतनी बार पिलाती है। अब ये मेरे बस का नहीं है। बस रोज का वही किस्सा अम्मा जी। दूसरी शादी है ना मेरी, जल्दी ही माधुरी और मेरा मुन्ना हो गया। अब माधुरी बेचारी कितना सही। अरे बात क्या है, खुलकर बता। मुन्ना बहुत रोता है, सिर्फ जब माँ का दूध पी लेता है तभी शांत होता है। आखिर कितनी दफा पिलाए मैं बच्चे को दूध। सही बात तो ये है कि माँ को बच्चे को उतनी बार दूध पिलाना चाहिए जितनी बार वो मांगे। अरे 6 महीने तक तो मुन्ने को ऊपर का भी तो नहीं कुछ दिया जा सकता। मगर माधुरी भी इंसान है बेचारी, उस पर प्रेमा जी उसे ताने मारती रहती है कि जानबूझकर बहाने बना रही है वो। नहीं नहीं, बड़ी ननद होने के नाते उसे माधुरी को हौसला देना चाहिए। मैं उसे कल समझाऊंगी। जा तो जरा उपले तो लिया। यही तो, तभी तो माधुरी कहती है। हो सकता है कि उसे दूध पिलाने में दर्द वर्द हो रहा हो, या उसे लग रहा हो कि दूध सही तरीके से उतर नहीं रहा और मर्द को बताने में संकोच कर रही हो। सबसे अच्छा यही रहेगा उसे नर्स बहन जी के पास सब सेंटर ले जाया जाए, वही सब समझा देंगी। मैं कल उसे लेकर के जाऊंगी, ठीक है? जल्दी जल्दी मुन्ने को दूध पिला दे, अपने आप रोना बंद कर देगा। प्रेमा जी जी, आपको तो पता है ना मुन्ने की कल रात से तबीयत कितनी खराब है, फिर भी बस कहे जा रही हो बार बार। जब ठीक हो जाएगा तो पिला दूंगी। दूध नहीं पिलाएगी तो मुन्ने में बीमारियों से लड़ने की ताकत कैसे आएगी? अब बहानेबाजी छोड़। देख लो जी, तुम्हारी बहन मुझे फिर डांट रही है। प्रेमा जी जी, छोड़ दो ना बेचारी को अपने हाल पर। सूरज, तू भी अपनी बहू की हाँ में हाँ मिला रहा है। अगर मेरे तजुर्बे से फायदा नहीं उठाना था तो मुझे बुलाया ही क्यों था? जिस घर में मेरी इज्जत नहीं वहाँ मैं एक पल भी नहीं ठहरूंगी। मैं जा रही हूँ। नमस्ते अम्मा जी। नमस्ते नमस्ते, चलो जल्दी, सविता के पास जाना है ना। मुन्ने की तबीयत बहुत खराब हो गई है, कल रात छींके आई, फिर नाक बहने लगी और सुबह एक दस्त भी हुआ। मामूली सा बुखार है, अपनी खुराक मिलती रहेगी तो ठीक हो जाएगा। दूध पिला रही है ना तू? बच्चे की तबीयत अगर खराब हो तो उसे मेरा दूध कैसे हजम होगा? जब ठीक हो जाएगा तो पिला दूंगी। माधुरी, बच्चे की तबीयत खराब हो
तो भी माँ को अपना दूध पिलाना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि उसे और पिलाना चाहिए, क्योंकि ये दवा का काम भी करता है। सिर्फ माँ के दूध के आश्रय पर है वो उसे नहीं मिलेगा तो कैसे ठीक होगा, कैसे ताकत आएगी? याद नहीं तुझे कमला ने विमला को क्या समझाया था? कमला मैं उप स्वास्थ्य केंद्र गई थी, पर नर्स बहन जी तो वहाँ है ही नहीं। हाँ, नर्स बहन जी और शबनम तो कल सुबह आएंगी। कल सुबह? अब मैं क्या करूँ? पर हुआ क्या, तू इतनी घबराई हुई क्यों है? कुछ नहीं। तू मुझे बता सकती है विमला, अब मेरी भी तो आशा की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, शायद मैं तेरी कुछ मदद कर सकूं। कमला मेरी खुशबू। क्या हुआ खुशबू को? मैं क्या जानू, बस रोए जा रही है, कितनी बार दस्त हो गया उसे। तू घबरा मत, खुशबू ठीक हो जाएगी, मैं चलती हूँ ना तेरे साथ। अच्छा ये बता कब से दस्त हो रहे हैं उसे? रात से ही। से? क्या उसे बेचैनी है? हाँ। और उसके होंठ भी बार बार सूख रहे हैं? हाँ। अच्छा उसे बुखार लग रहा है क्या? हाँ कमला हाँ। विमला शायद खुशबू को दस्त की वजह से पानी की कमी हो गई है, पर तू बिल्कुल भी मत घबरा। एक काम कर, तू अभी घर जा और थोड़ी थोड़ी देर में उसे अपना दूध पिलाती रहना, तब तक मैं ORS के पैकेट लेकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है, पर तुम जल्दी आना। तू चल, बस मैं ORS लेकर आई। समझी, दस्त के समय में भी माँ का दूध देना जरूरी है। हाँ माँ जी। हे भगवान, ये क्या कर दिया मैंने। देखा माधुरी, प्रेमा जी ठीक कह रही थी। पर प्रेमा है कहाँ? नाराज होकर चली गई है, मुझे पता है वो अपनी सहेली शशि के यहाँ गई होंगी। चल फिक्र मत कर माधुरी, उसे तेरी और मुन्ने की बहुत फिक्र है। जबान की थोड़ी तीखी है, पर दिल की बहुत भली है प्रेमा। मुझसे गलती हो गई, मुझे समझाना चाहिए था ना। मैं? चल फिक्र मत कर, चल चल, नर्स बहन जी इंतजार कर रही होंगी। हाँ माधुरी, मैं तुम्हारी परेशानी समझ गई। अच्छा बताओ, बच्चा दूध क्यों मांगता है? क्योंकि उसे भूख लगती है। हाँ, उसे आहार की जरूरत होती है, इसलिए बच्चा जब भी दूध मांगे माँ को उसे पिलाना चाहिए। आहार उसके तन में जाएगा तभी तो वो तंदुरुस्त होगा ना। वो तो है, मगर आखिर एक दिन में मैं उसे कितनी बार दूध पिलाऊं? जितनी बार भी वो मांगे। मगर मुझे डर लगता है कि मुन्ने को बार बार दूध पिलाऊंगी तो मैं कमजोर ना पड़ जाऊं। ये तो बेकार का डर है, माँ जितना ज्यादा दूध पिलाती है उतना ही ज्यादा दूध बनता है। अच्छा एक बात और है, कई दफा ये बहुत देर देर तक पीता है। हाँ माधुरी, जरूर पीता होगा, क्योंकि उसे बड़ा होने के लिए जितने आहार की जरूरत होती है उतना दूध देर तक पीने से मिलता होगा। और फिर बच्चा जब दूध पीता है